पहली बात कि ये बॉक्स सिर्फ 700 रुपये का है और 700 रुपये में अपने को लाइव टीवी चैनल जिंदगी भर तक के लिए फ्री में मिलेंगे। इसमें अपन यूट्यूब देख सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, IPTV का सपोर्ट इसके अंदर है और तो पेन ड्राइव के थ्रू इसके अंदर अपन मूवी शो म्यूजिक फोटोज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं यार। तो 700 रुपये के हिसाब से ना कुछ ज़्यादा ही चीज़ें इसके अंदर अपने को मिलती है। तो इस वीडियो में अपन इसी के बारे में बात करेंगे कि इस बॉक्स में ऐसा क्या है कि आपको ये खरीदना चाहिए। तो शुरू करते हैं यार। और ये जो सेटअप बॉक्स है ना भाई, ये रिलीफ कंपनी का है और काफ़ी पॉपुलर कंपनी है यार, लोकल मार्केट में बहुत ही सेल होती है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे बॉक्स है और यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सेटअप बॉक्स अपना HD बॉक्स है। ओके, लेफ्ट साइड में जितने भी इसके अंदर फीचर है ना वो सारे मेंशन है। पहली बात कि ये 4G सपोर्ट के साथ आता है, मतलब 4G इंटरनेट अपन इसके अंदर यूज कर सकते हैं। HDMI कनेक्शन है, 2.0 वाले USB हब इसके अंदर है, TV और रेडियो का सपोर्ट भी है, DLNA का सपोर्ट भी है। और ये क्या होता है ये मैं आपको ऑब्वियसली वीडियो में आगे बताऊंगा। और दोस्तों इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि 5000 से भी ज्यादा चैनल अपने को मिलेंगे। मुझे तो देखो ऐसा लगता नहीं है, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। ये बॉक्स अपना डिजिटल HDMPEG-4 है और वाईफाई कनेक्शन इसके अंदर अपने को मिलता है। तो भाई ये सारी बातें मैं वीडियो में आपको क्लियर बताऊंगा, बस वीडियो को यहाँ पे पूरा देखते रहना। और पहली बार चैनल पे आगे होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस टाइप के सेटअप बॉक्स से रिलेटेड वीडियो आप रेगुलर देख सको। इस डब्बे में से अपना सेटअप बॉक्स निकलेगा, एक रिमोट कंट्रोल मिलेगा, 3 RC केबल निकलेगी और एक पावर एडाप्टर मिलेगा। इसका जो रिमोट है ना भाई, इसके अंदर बहुत सारी गैप तो फालतू की दे रखी है और जो बटन की यहाँ पे पोजीशन है ना वो भी ऊपर नीचे कर रखी है। तो रिमोट तो इतना मुझे इसका इंप्रेसिव नहीं लगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छी रिमोट की। अब दोस्तों इस बॉक्स के अंदर अपने को कौन कौन से यहाँ पे फीचर मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर अपने को यहाँ पे लैन का पोर्ट मिलता है जिसके थ्रू अपन लाइव टीवी चैनल को इसके अंदर देख सकते हैं, वो भी जिंदगी भर तक के लिए फ्री में। वाईफाई कनेक्टिविटी भी इसके अंदर अवेलेबल है, तो वाईफाई के थ्रू आप यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। और इसके अलावा इसके अंदर ना अपने को IPTV की सर्विस भी मिल रही है, मीडिया प्लेयर भी इसके अंदर है। तो मूवी शो म्यूजिक या फोटोज को देखना होना तो इसके मीडिया प्लेयर में जाके आप देख सकते हो, मतलब पेन ड्राइव कनेक्टिविटी इसके अंदर अपने को मिल जाएगी। अब दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो थोड़ी ज्यादा जरूरी है। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप इसी टाइप का सेटअप बॉक्स खरीदो, इस वीडियो को ना बस मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि यार इस टाइप के जो बॉक्स होते हैं ना इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा आती है। अब एक्चुअली में ये बॉक्स क्या है, क्यों खरीदना चाहिए, इसमें क्या ऐसे ऐसे बेनिफिट अपने को मिल रहे हैं जो दूसरे सेटअप बॉक्स नहीं दे सकते। तो देखो यार इस टाइप के जो सेटअप बॉक्स होते हैं ना इसके अंदर अपने को दो फायदे मिलते हैं। पहला फायदा तो ये कि अगर आपके घर में एक छतरी है, मतलब डिश एंटीना है, तो उसके थ्रू आप लाइव टीवी चैनल इसके अंदर देख सकते हो और लाइव टीवी चैनल वही इसके अंदर चलेंगे जो गवर्नमेंट अपने को यहाँ पे देती है। गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे 150 चैनल के आसपास चलते हैं जिसे अपन DD फ्री चैनल बोलते हैं, तो वो सारे चैनल इसके अंदर एक्टिवेटेड है। उसके अलावा अगर आपको इंटरनेट भी यूज़ करना है जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और काफ़ी सारी सर्विसेज है इंटरनेट की, तो वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। और पेन ड्राइव के लगा के अगर आपको मूवी देखनी है या फोटोज़ देखने फैमिली के, तो वो भी इसके अंदर आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों ये एक सेटअप बॉक्स कैटेगरी में आता है, इसको अपन एंड्रॉयड बॉक्स नहीं बोल सकते। एक एंड्रॉयड बॉक्स का फायदा यही होता है कि इसके थ्रू अपन अपनी LED को एंड्रॉयड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक स्मार्ट LED के अंदर अपने को जो जो भी फीचर मिलते हैं ना वो सारे फीचर इसके अंदर अपने को मिलते हैं। इसके अंदर अपने को प्ले स्टोर का भी सपोर्ट मिलता है, गेम भी अपन खेल सकते हैं और जितने भी लेटेस्ट एप्लीकेशन है वो सारे इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये तो एक एंड्रॉयड बॉक्स है और ये एक सेटअप बॉक्स है, लेकिन एक एंड्रॉयड बॉक्स के अंदर अपने को लैन पोर्ट नहीं मिलता है, तो डिक्स एंटीना के थ्रू अपन लाइव टीवी इसके अंदर देख नहीं सकते। इसके अंदर अपने को JioTV यूज करनी पड़ती है जो इंटरनेट के थ्रू चलती है। और इसके अंदर फायदा यही है भाई कि इसके अंदर अपने को लाइव टीवी चैनल देखने के लिए डिक्स एंटीना का कनेक्शन मिलता है, लेकिन आप इंटरनेट इसके अंदर इतना बेटर यूज नहीं कर पाओगे जितना एक एंड्रॉयड बॉक्स में आप कर सकते हो। क्योंकि एंड्रॉयड बॉक्स बना ही इसलिए रहता है कि आप उसके अंदर इंटरनेट को यूज कर पाओ, अपने LED को एंड्रॉयड में कन्वर्ट कर पाओ। तो अगर आपको इंटरनेट के थ्रू अपनी LED को चलाना है या फिर आपको JioTV यूज करनी है, Amazon प्राइम, Netflix जैसे OTT एप्लीकेशन यूज करनी है, तो आपको एक एंड्रॉयड बॉक्स खरीदना चाहिए। और आपको इतना कुछ नहीं चाहिए भाई, बस आपको तो चाहिए कि घर में हम बैठे TV चालू करें और चैनल यहाँ पे चल जाए, तो उस कंडीशन में आप इस टाइप के सेटअप बॉक्स को खरीद सकते हो। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए जरूरी है। और ये जो सेटअप बॉक्स मेरे पास है ना, इसकी बिल्ड क्वालिटी एवरेज है, जो भी प्लास्टिक इसके अंदर यूज हुआ है ना वो बहुत ही चीप क्वालिटी का है। फ्रंट साइड में अपने को यहाँ पे बटन मिल जाएंगे और एक LED लाइट मिल जाएगी। राइट साइड में इसका एक USB पोर्ट दे रखा है जिसकी क्वालिटी भाई 3rd class है, मतलब ये USB पोर्ट आपके करीब करीब 1 से 2 महीने में खराब हो जाएगा, इतनी बेकार क्वालिटी का है ये। बैक साइड में अपने को एक लैन पोर्ट मिल जाएगा, एक USB का पोर्ट मिल जाएगा, एक HDMI पोर्ट मिलेगा और यहाँ पे 3 RC का पोर्ट भी अलग से मिलेगा भाई। तो अगर आपके घर में पुरानी डब्बा TV है ना तो 3 RC केबल के थ्रू आप उसको चला सकते हो, और अगर आपके पास LED TV है तो HDMI केबल के थ्रू आप चला सकते हो। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको HD रेजुलेशन में यहाँ पे वीडियो को देखना है या TV चैनल को देखना है ना, तो वो HDMI केबल के थ्रू ही चलेगा। और इसके अलावा एक यहाँ पे पावर का पोर्ट अपने को मिल जाता है। तो बॉक्स की क्वालिटी ना भाई बहुत एवरेज है, मतलब रिमोट की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है इससे सेटअप बॉक्स से। ऑलराइट दोस्तों, अब मैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि LED TV में इसको कैसे कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद अपन क्या क्या इसके थ्रू कर सकते हैं। TD फ्री के जितने भी यहाँ पे चैनल है वो सारे चैनल इसके अंदर अवेलेबल है, बस आपके घर में जो डिश TV का एंटीना
लेना है ना, उसको आपको फ्री डिस्क के पोजीशन पे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। और इसके अंदर जितने भी यहाँ पे चैनल है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री है, उसके लिए अपने को कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और इसके जरिए अपन कौन कौन से चैनल को यहाँ पे देख सकते हैं उसकी लिस्ट आपके सामने शो हो रही है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। ये सारे चैनल इसके अंदर लाइफ टाइम फ्री में चलेंगे। इस सेटअप बॉक्स का जो यूजर इंटरफेस है ना, वो इतना ज्यादा सिंपल बना रखा है यार कंपनी वालों ने कि कोई भी बच्चा या जो घर में बड़ा होता है ना, वो आराम से इसको यूज कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। तो इस मामले में ये सेटअप बॉक्स अच्छा है। इस सेटअप बॉक्स के अंदर अपने को पेन ड्राइव का सपोर्ट मिलता है, तो पेन ड्राइव के थ्रू अगर आप कोई भी मूवी को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बस वो मूवी आपके पेन ड्राइव में होनी चाहिए। अब सबसे मेन बात कि वाईफाई के थ्रू अपन इंटरनेट कैसे यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो वाईफाई से इंटरनेट यूज करने के लिए आपको एक वाईफाई रिसीवर की यहाँ पे जरूरत होगी, जिसे अपन वाईफाई डोंगल बोलते हैं। ये डोंगल आपको 150 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो और या फिर ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो ना वैसे आप बाय कर लेना। इसे डोंगल को जैसे ही आप इस सेटअप बॉक्स में लगाओगे, उसके बाद अगर आपको यूट्यूब चलाना है तो यूट्यूब भी इसके अंदर चल जाएगा। इसके अंदर अपने को आईपीटीवी भी मिलती है, लेकिन उसकी सर्विस ना इंडिया के अंदर अभी अवेलेबल है नहीं, तो आईपीटीवी को अपन हटा देते हैं भाई, क्योंकि वो अपने काम की नहीं आएगी। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेटअप बॉक्स आपको खरीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ कमी है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। पहली बात कि अगर आपको एक ऐसा सेटअप बॉक्स चाहिए जिसके अंदर आप डीडी फ्री के चैनल को देखना चाहते हो, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। या फिर आपको मूवी देखने का बहुत शौक है और पेन ड्राइव के थ्रू आप मूवी देखना चाहते हो अपनी एलईडी टीवी के अंदर, तो उस कंडीशन में भी आप इसको बाय कर सकते हो। लेकिन इंटरनेट के लिए मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा भाई, आप इसके अंदर इंटरनेट यूज नहीं कर पाओगे, सिर्फ नाम का इंटरनेट इसके अंदर दे रखा है। मतलब भाई ऑनलाइन जितनी भी सर्विसेज इसके अंदर अपने को मिल रही है ना, वो सारी ओल्ड जनरेशन की है, वो सिर्फ नाम की इसके अंदर सर्विसेज है। तो आपको सेटअप बॉक्स से इंटरनेट चलाने के लिए चाहिए ना भाई, तो एंड्रॉइड बॉक्स बाय करना। और इस सेटअप बॉक्स को मैं परसों ही लोकल मार्केट से खरीद के लाया हूँ सिर्फ 700 रुपए में। अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदोगे ना भाई, तो ऑनलाइन इसकी प्राइस ज्यादा है, ये आपको ऑनलाइन 1000 रुपए से 1200 रुपए के बीच में मिल जाएगा। तो आप एक काम करना कि लोकल मार्केट में जाकर ट्राई करना, ये सेटअप बॉक्स आपको 700 से 800 रुपए में आराम से मिल जाएगा, तो लोकल मार्केट में आपको थोड़ी अच्छी डील मिल सकती है। और अगर नहीं मिलता तो ऑनलाइन आप बाय कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां पे जाके भी आप बाय कर सकते हो। तो वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना, कोई भी कंफ्यूजिंग हो तो भी कमेंट कर देना, क्योंकि रिप्लाई मैं करता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।